मंडी के 154 साल पुराने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपने सालाना समारोह में जहां इसी पाठशाला से पढ़कर निकले समाज में नाम कमाने वाले 80 साल से ऊपर आयु की विभूतियों को सम्मानित किया, वहीं इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा के आह्वान पर मंडी शहर में अन्नपूर्णा कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया। मंडी के 154 साल पुराने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपने सालाना समारोह में जहां इसी पाठशाला से पढ़कर निकले समाज में नाम कमाने वाले 80 साल से ऊपर आयु की विभूतियों को सम्मानित किया, वहीं इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा के आह्वान पर मंडी शहर में अन्नपूर्णा कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए पंडित मनोहर लाल ने तत्काल 50,000 रुपए पर डॉक्टर राजेंद्र राजू ने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। अन्नपूर्णा के तहत शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, खासकर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो खाना बनाने में अक्षम हो को उनके घर तक खाना पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द ही बनाई जाएगी। 1866 में मंडी के तत्कालीन राजा विजयसेन द्वारा स्थापित की गई इस पाठशाला के एकल ब्लॉक में ओएस के प्रधान अनिल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान पंडित मनोहर लाल ने कहा कि उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, उम्र तो वक्त की रवानगी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। उन्होंने कहा कि सुख और आनंद में बड़ा फर्क है, सुख तो सुविधाओं से मिल जाता है मगर आनंद तो जिंदा दिली से ही मिलता है। मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलित करके शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्कूल के कलाकारों ने कवाली व गीत भी प्रस्तुत किए। सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ओएसए के प्रधान अनिल शर्मा ने बताया कि ओएसए का गठन 2006 में किया गया था। पाठशाला के शताब्दी पुराने भवन को उसी शैली में सरकार व प्रशासन के सहयोग से पुनर्निर्मित किया जा रहा है, जहां पर इसी साल पुस्तकालय, म्यूजियम, गोष्ठी हॉल आदि स्थापित होगा। मुख्य सलाहकार ताराचंद पटियाल व महासचिव संतोष कुमार ने एसोसिएशन के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। इसी पाठशाला के पुराने छात्र जो अब वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में है, अश्विनी धवन, डॉक्टर राजेंद्र राजू, बल के बहना से आए बीरबल शर्मा, जगदीश कपूर, आर के शर्मा व विनोद बहल ने स्कूल टाइम के रोचक अनुभव शायराना व काव्य अंदाज में सुनाए। विनोद बहल की मंडियाली कविता सुतणु कुर्तु वाले स्कूल पर खूब तालियां बजी। डॉक्टर हरीश बहल ने 5,100 रुपए जबकि सत्यपाल बहल 5,000 रुपए की राशि ओएसए को सहयोग के रूप में दी। इस मौके पर अरुण शर्मा व उनके परिवार की ओर से हर साल स्कूल के ऑलराउंड वेस्ट स्टूडेंट को दी जाने वाली ट्रॉफी व 1,100 रुपए की राशि इस साल के ऑलराउंड बेस्ट छात्र कर्ण कुमार को दी। एक प्रदर्शनी भी पुराने सामूहिक चित्रों की इस दौरान परिसर में लगाई गई। समारोह का समापन सामूहिक भोज से हुआ। सम्मानित विभूतियों में बीपी मल्होत्रा, सतपाल बहल, हरीश, बीसी सैगल, देवराज वर्मा, कैप्टन एमएल शर्मा, ज्ञानचंद वैद्य, अध्यापक गायत्री दत्त शर्मा, इन सबको मुख्य अतिथि ने टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। ओएसए की ओर से पंडित मनोहर लाल को भी टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिए गए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज स्कूल का 12वां वार्षिक समारोह का आयोजन आई ब्लॉक में किया गया। वो अच्छी जो बनी थी वो इस ओ ब्लॉक जो लकड़ी की बिल्डिंग है उसको बचाने के लिए बनी। आज 14 वर्षों के बाद जो है वो अच्छे का सपना साकार हुआ और ये बिल्डिंग लगभग 2-3 महीने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने उपायुक्त महोदय को भी आग्रह किया था, मुख्यमंत्री को भी महोदय को भी आग्रह किया था, सरकार को भी आग्रह किया था कि इसमें लाइब्रेरी, म्यूजियम, बच्चे सेंटर, फोटो आर्ट गैलरी रखी जाए ताकि हमारे मंदिर के पुरानी कलाकृतियाँ, पेंटिंग इस म्यूजियम में रखी जाए। आज के समारोह में जो है लगभग 8 आदमियों को जो कि 85 साल से ऊपर के स्कूल के पूर्व छात्र थे उनको सम्मानित किया गया। इस समारोह में बेस्ट ऑलराउंडर की ट्रॉफी और नगद राशि का पुरस्कार ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट का मास्टर कर्ण कुमार को दिया जाए। ये पुरस्कार
हमारे फाउंडर मेंबर लेट श्री अरुण कुमार शर्मा की यादगार में प्रतिवर्ष उनके परिवार वाले देते रहते हैं। और यहाँ पर हम बोर्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा उनकी कार्यकारिणी द्वारा